हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप इंस्टेंटली अपने बेली फैट को कैसे छुपा सकते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, इंस्टेंटली। तो कीप ऑन वॉचिंग। तो हम शुरू करते हैं, और ये शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये इंस्टेंटली अपना बेली फैट कैसे छुपा सकते हैं, या आप इंस्टेंटली अपने बेली को कैसे हाइड कर सकते हैं, तो ये कोई जादू नहीं होता है। ये बेसिकली है कि हाउ यू आर चूजिंग योर क्लोथ्स और पर्टिकुलर ड्रेस फॉर योर बॉडी टाइप, और लाइक अगर आपकी बेली फैट है तो उसके लिए आप क्या कैसे आप कपड़े पहनते हैं या कैसा क्या चूज़ करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो मैं सबसे पहले एक टिप देना चाहूँगी कि आजकल हर कोई जीन्स पहनता है, सबको कंफर्टेबल लगता है और ऑब्वियसली बहुत कंफर्टेबल भी होता है, लेकिन जीन्स आपको कैसी पहने कि आपका जो टमी को हाइड कर दे। अगर सबसे पहले अगर आपकी टमी है तो आप लो वेस्ट तो बिल्कुल ना पहने, क्योंकि लो वेस्ट पहनने से क्या होता है कि एक तो आपका बेली है, ऊपर से आपने अगर लो वेस्ट पहना तो वो आप तो उससे और ज़्यादा ना आपका जो ये बल्ज है वो बाहर निकल के आ जाता है, तो उससे जितना आपका है नहीं बेली, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा उभर के आता है। तो अगर आपके बेली अगर है तो हमेशा आप हाई वेस्ट ही पहने, और हाई वेस्ट आपके इंस्टेंटली आपकी जो बेली फैट है उसको जस्ट हग कर लेता है। इट जस्ट सक्स इन ऑल योर फैट, बेली फैट, और जो लव हैंडल होते हैं उनको भी अच्छे से वो हग कर लेता है, कर्वी फिगर लगती है। आई शो यू, आई हैव वन दिस हाई वेस्टेड, दिस इज सुपर सुपर हाई वेस्टेड, और ये मुझे बहुत, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जीन्स। लाइक अगर मुझे मेरा इतना बहुत ज़्यादा मेरा बेली फैट नहीं है, बट लेकिन एक कई बार होता है ना कि कुछ दिन ऐसे होते हैं या कि जैसे आज पेट जो है वो बहुत ब्लोटेड लग रहा है, उस टाइम के लिए मुझे ये बहुत ही पसंद है, मतलब तो मैं ये वाला पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और इससे ना आपका सारा मतलब अच्छे से आपकी जो बॉडी को ये हग कर लेता है और बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आप क्रॉप टॉप भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका बेली फैट है और अगर आपने लो वेस्ट पहनी और अगर आप चाहते हैं कि आप क्रॉप टॉप पहन लें तो इट विल नॉट लुक नाइस एक्चुअली, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप पहनना चाहें तो कई लोग पहन भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्वेस्ट इन लाइक अच्छे से एक हाई वेस्टेड जीन्स में आप इन्वेस्ट करें, और हो सके अगर आप ज़्यादा, अगर आपका थोड़ा ज़्यादा अगर हैवी साइड पे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी, जैसे ये लाइट कलर है तो इसमें आप डार्क कलर की जीन्स ले सकते हैं। लाइक आई विल शो यू कि दिस, ये जो मेरी है दिस इज़ डार्क, तो ये, और ये मेरी ये लो वेस्ट है, दिस इज़ लो वेस्ट, ये हाई वेस्ट नहीं है। सेकेंड थिंग, ये आपको जैसे जैगिंग्स हैं तो इस तरह की जैगिंग भी मिलती है मार्केट में, और किसी भी लोकल मार्केट में मिलती है, और आप किसी भी ब्रांडेड में भी देख सकते हैं। तो ये भी हाई वेस्टेड जैगिंग्स हैं, और ये साइड में इसके इस तरह का अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है कि ये जो कि कमर के साइड में अगर है ज़्यादा थोड़ा सा बल्जी है तो वो अच्छे से कवर कर ले, और ये भी हाई वेस्टेड ही है। ये आप टॉप के साथ भी पहन सकते हैं, और ये आपने किसी भी इंडेड कुर्ते के साथ में भी अगर आप पहनेंगे तब भी अच्छा लगता है, मतलब जैसे स्ट्रेट आपने कुर्ता पहना है लेकिन आपका थोड़ा सा उसमें पेट नज़र आ रहा है, लेगिंग्स वगैरह आप पहनते उसमें पेट नज़र आ रहा है, तो उसकी जगह पर आप इस तरह की जैगिंग्स को पहन सकते हैं। इस तरह के कुर्ते आप ले सकते हैं जो यहाँ से प्लीट्स होती हैं, और ये जो प्लीट्स है ये टमी से मतलब ये शुरू होता है, ये जो बस्ट एरिया है ये बस्ट एरिया से शुरू होता है, मतलब बस्ट जो एरिया उससे हल्का सा नीचे से शुरू होता है, तो उससे क्या होता है कि ये यहाँ से शुरू होएगा तो आपका जो ये बेली है वो एकदम से कवर हो जाएगी, हाइड हो जाएगा, वो इतना नज़र नहीं आएगा आपका कि आपका पेट ज़्यादा है। इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये वाला जो प्लीट्स है, अगर ये आपकी प्लीट्स कमर्स पे आती है, यहाँ से अगर शुरू होगी तो आप इसमें और भी मोटे लग सकते हैं, तो मेक श्योर कि जो ये प्लीट्स हैं ये हमेशा आपकी इधर से स्टार्ट हो, यहाँ से, इतने की बजाय यहाँ से शुरू हो। अब हम बात करते हैं पेपलम टॉप की, उसमें भी इंस्टेंटली आपका बेली फैट जो है वो छुप जाता है, तो हम पेपलम टॉप की बात करेंगे। वो भी जैसे एक ये है,
ये वाला जो है ये मैं पहनती हूँ तो ये बहुत अच्छे से, एक्चुअली ये मेरा जो ये जो फॉल है ये सीधे मेरे टमी पे आता है, तो वो एकदम टमी हाइड कर, जो बेली फैट है वो मेरा हाइड कर देता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो कुर्ते का जो बताया, सेम मेरे साथ हुआ कि मैंने ये ले लिया, मुझे ये बहुत सुंदर, एक्चुअली आई लव द कलर ऑफ दिस टॉप, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये ले लिया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर तो मेरा जैसे जिस दिन मेरा पेट मुझे एक लगता है कि बिल्कुल फ्लैट है, तब तो ये मुझे पे बहुत बहुत फ्लैटरिंग लगता है। लेकिन अगर ज़रा सा भी आपका पेट हुआ तो इसमें, क्योंकि ये क्या है जो इसकी जो ये फ्लेयर है ये मेरी कमर निकल यहाँ से आके यहाँ से शुरू होती है और बाकी यहाँ से वो टाइट है, तो जो जिसको हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली वो उभर के आ रहा है। यू नो व्हाट आई मीन, कि ज़रा सा मतलब ज़रा से सिलाई की भी हेयर फेयर भी आपकी बॉडी को मतलब फ्लैटरिंग लुक दे सकता है, और थोड़ा सा जो आप नहीं चाहते वो भी दिख सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप जब भी कपड़े कोई ख़रीदते हैं तो वो अच्छे से उसकी थोड़ा सा देख के छानबीन करके ही ख़रीदें। और अगर आप, और जैसे टॉप हैं, आप इस तरह के अगर टॉप में इन्वेस्ट करते हैं तो भी अच्छा है कि जैसे ये थोड़ा फ्लेरी है, ये ए लाइन में है और ये थोड़ा सा मतलब ये मेरे को क्या है यहाँ से अच्छा तक बहुत अच्छे से टाइट करता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा फ्लेरी है, तो इससे भी आपका इंस्टेंट आपका जो पेट है वो छुप जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन कि अगर आप इसमें, आप ज़रूर ये अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते तो इसके अंदर भी फुल स्लीव्स का आता है या हाफ स्लीव्स का आता है, तो इट लुक्स वेरी गुड और ये भी आपके बेली फैट को इंस्टेंटली हाइड कर देगा। सिमिलरली मेरे पास एक, अगेन मेरे पास ये टॉप है, दिस इज़ लिटल लॉन्गर, उससे थोड़ा सा लंबा है ये, बट दिस इज ऑल्सो द सेम लाइक जैसे वो वाला पहले वाला था, ये दोनों सिमिलर ही हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे जब भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मुझे लग रहा है नहीं यार बेली फैट नज़र आ रहा है, तो मैं इन दोनों में से कुछ भी पहन सकती हूँ। यू कैन इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ टॉप ऑल्सो, लाइक दिस इज़ ये बिल्कुल मिडल में आपके जो टमी के ऊपर है, ये आपका गैदर्ड जो इस तरह का है तो ये एग्जैक्टली आपके टमी के ऊपर फॉल करता है, तो उससे आपकी जो टमी है वो जो एरिया है वो अपने आप हाइड हो जाता है। और सी ये यहाँ पर आएगा तो बिल्कुल आपका मतलब जो टमी होगी वो एरिया नज़र ही नहीं आएगा, फैट आपका नज़र ही नहीं आएगा। अब लास्ट की आपकी कोई ऐसी ड्रेस है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपको वो जो मैंने आपको दिखाया है उनमें से उसका स्टाइल नहीं है उस तरह का, लेकिन आप पहनना चाहते हैं अपनी मनपसंद की ड्रेस, तो आप इस तरह के बॉडी ये जो बॉडी शेपर हैं या टमी टकर हैं इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत से मतलब बहुत सारे ब्रांड में आपको मिल जाएगा, लोकल में भी मिल जाएगा आपको, तो आप इस तरह के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कुछ नहीं आपको काम करा तो ये आप ये डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बॉडी शेपर पहनना ही है तो इसको बहुत लंबे टाइम के लिए ना पहने, क्योंकि चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी हो या अच्छा ब्रांड हो, बट वो अनकम्फर्टेबल लगता ही लगता है अगर आपने उसको 5-6 घंटे से ज़्यादा पहना तो। और साड़ी भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा बेली फैट को हाइड करने के लिए, इंस्टेंटली हाइड करने के लिए इससे, बट ध्यान रखना ये है कि आपकी साड़ी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स कह लीजिए या हैक्स कह लीजिए बेली फैट को छुपाने के लिए। तो आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स है बेली फैट के लिए जो आप लोग यूज़ करते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि वो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अब मिलूँगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।